नमस्कार, मैं सरेश मौर्य आप सभी का अपने चैनल एएसएम ट्रांसलेशन में स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, जिस प्रकार हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिखते हैं उसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का भी रूल लिखेंगे, बस इसमें नॉट का फर्क रहेगा, ठीक। और अगर इसका हिंदी का बात करें तो ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न सूचक के साथ साथ नहीं शब्द भी आए, ठीक, प्रश्न सूचक शब्दों के साथ साथ नहीं शब्द भी आए वाक्यों में, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान का बात करें तो इसका होता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, साथ ही साथ समय भी दिया रहता है, ठीक। तो इससे पता चल जाता है कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का बात करें तो सेम टू सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह इसका भी रूल रहेगा, बस इसमें निगेटिव के कारण नॉट शब्द जुटेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा रूल का, इसका रूल का बात करें तो क्वेश्चन वर्ड फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, सो ऑन, इसके बाद लास्ट में सिंस और फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बस इसमें कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही इसको भी करना, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह इसका भी है, बस इसमें नॉट शब्द आएगा, नॉट आएगा तो रूल भी। एग्जांपल इसका बात करें, एग्जांपल्स का बात करें इसका, तो हो जाएगा वह क्यों नहीं 2 दिन से आ रहा है। अब इसमें देखिए रहा है, रहे हैं आया भी, और साथ ही साथ समय भी यानी 2 दिन भी दिया है, तो इससे पता चला कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और क्यों नहीं दिया है तो यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो क्यों यानी सबसे पहले वाई और वह के साथ हमेशा हैज, वाई हैज ही, उसके बाद नॉट बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट बीन, उसके बाद आना होता है कम हो जाएगा कमिंग, ठीक। अब इतना तो हो गया कमिंग, उसके बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सीधे हम लोग समय पे आते हैं, तो निश्चित समय तो है नहीं 2 दिन, इसीलिए हम लोग फॉर 2 डेज इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल का बात करें तो तुम कैसे नहीं सोमवार से बोल रहे हो, ठीक। तुम कैसे नहीं सोमवार से बोल रहे हो, इसका अगर ट्रांसलेशन करें तो आ जाएगा हाउ। अब देखिए, तुम के साथ हमेशा हैव, हाउ हैव यू नॉट बीन, ठीक, रूल के कारण चल रहे हैं बीन। इसके बाद क्या है बोलना होता है स्पीकिंग में आईएनजी हो जाएगा तो स्पीकिंग। अब देखिए पूरा हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, स्पीकिंग अब आएगा सोमवार, यानी सोमवार निश्चित दिया है, सोमवार फिक्स दिया है, तो हम लोग सिंस लगाएंगे, सिंस मंडे, ठीक, इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल का बात करें तो ऐसे राधिका कब नहीं हलवा रविवार से बना
रही है ऐसे, तो इसका हो जाएगा, इसको अगर ट्रांसलेट करें, याद रहे मिठाई की अंग्रेजी से होती है वो ज्यादातर मिठाई का नाम हिंदी में भी वही और अंग्रेजी में भी वही रहता है, ठीक है। तो अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो कब यानी when, when उसके बाद आ जाएगा राधिका के साथ हैज, when has राधिका, when has राधिका, ठीक। उसके बाद क्या है not been, अब क्या करना बनाना, हलवा बना रहे हैं यानी पका रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं cook, ठीक। cooking क्या बना रही, हलवा, हलवा। उसके बाद क्या है रविवार फिक्स दिया है तो इसीलिए हम लोग लगाएंगे सिंस संडे, इस प्रकार हम लोग इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर एग्जांपल का बात करें तो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आ सकते हैं, तो जैसे यहां पर देख सकते हैं अमित क्यों नहीं दो साल से पढ़ रहा है, ऐसे दे दे, इसमें क्यों नहीं भी आया और साल भी समय भी दिया है और रहा रहे रहे दिया है, तो इससे पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसको ट्रांसलेट करें तो जाएगा वाई, ठीक। अब अमित के साथ हमेशा हैज, वाई हैज अमित नॉट, उसके बाद बीन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आ जाएगा बीन, तो पढ़ना होता है ब्रेकफास्ट हम यानी रीडिंग, ठीक, रीडिंग हो जाएगा एनजी लगाएंगे रीडिंग। अब ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, उसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, अगर इसका सिंस और फार का टाइम आ जाएगा तो हो जाएगा। अब देखिए दो साल निश्चित नहीं है, दो साल पता नहीं, अप्रैल से अप्रैल तक कि दिसंबर से दिसंबर तक फिक्स नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग इसको फॉर लगाएंगे, फॉर टू ईयर्स, ठीक। इस प्रकार हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा हों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।